माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा भाई बहन का नाम, तुझसे पहले लूंगा भाई बहन का नाम। भाई बहन से प्यार करता है, बहन भाई से प्यार करती है, भाई बहन से लड़ाई करता है, बहन भाई से लड़ाई करती है, लड़ाई करती है, फिर भी सबसे ज़्यादा वो प्यार करती है, हाँ प्यार करती है। आज आपको थोड़ा सा अलग महसूस हो सकता है क्योंकि मैं आज अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। आज सबसे पहले आपको ईद उल अधा की मुबारकबाद और रक्षाबंधन की साथ में शुभकामना, इसीलिए मैंने एक गाना आपको पेश किया। रक्षाबंधन पे मैं आज बात करने वाला हूँ। क्यों बात करने वाला हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई बहन का एक ऐसा प्यार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक खून का रिश्ता जो होता ही होता है, लेकिन एक दिल का रिश्ता, एक मोहब्बत का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता, एक जज्बात का रिश्ता, एक कोऑपरेशन का रिश्ता होता है। एक बार मैं ऐसे चल रहा था, फुटपाथ पे मैं गया तो एक छोटा सा लड़का अपनी बहन को दूध पिलाते हुए, शीशे की बोतल में दूध पिलाते हुए मुझे मिला। और मैं जब उसके पास गया, पूछा, मैंने कहा, ये कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो कह रहा, मम्मी पापा नहीं है मेरे। मैं कहा, ये कौन है? कहे, मेरी बहन है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, इधर उधर से पैसे लेके आता हूँ और इसकी मैं मतलब खिदमत सेवा करता हूँ, इसको दूध पिलाता हूँ। मेरी आँखों में आंसू आ गया। ऐसे भाई को सलाम है। मैं एक बार दिल्ली में एक जगह स्पीच देने गया, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। लड़की स्पीच दे रही थी तो बोली कि मेरी मम्मा का डाइवोर्स बहुत पहले हो गया था। उस स्पीच में उसने बताया और कहे कि मेरे पास एक छोटा भाई है। मैं बहुत छोटी थी तब से कमाने की कोशिश की और पैसा कमाया और अपने भाई को मैंने जिलाया। ऐसी बहन को सलाम है। मैं ऐसे भाई बहन को सलाम करना चाहता हूँ जो अपनी बहन को अपनी ताकत, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसी बहन को भी सलाम करता हूँ जो अपने भाई को जिम्मेदारी, ताकत, अपना हीरो समझती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, एक बार अभी मैं हाल ही में ट्रेनिंग दे रहा था, एक लोग से मेरी बात होने लगी। कहें कि मेरी जो बहन थी वो एक लड़के से प्यार करती थी, अचानक पापा मम्मी शादी तय कर दिए और शादी तय करने के बाद जब मेरी बहन को पता चला तो मेरे पास दौड़ के भागती हुई आई। अरे अरे भाई, मेरी ऐसी ऐसी बात है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लड़का भी अच्छा है, मैं चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए। और मम्मी पापा कह रहे हैं कि इससे शादी हो जाए, शादी करना चाहते। तो भाई गया मम्मी पापा के पास, उनको समझाता है, फिर गया अपने जीजा जी से मिलता है और बातचीत करता है, फिर आके फिर मम्मी पापा को समझाता है, कहता है मम्मी पापा वो ठीक है लड़का, जीजा जी मतलब ठीक है, पढ़े लिखे हैं और जॉब भी अच्छा है, शादी कर देते हैं, और दीदी भी यही चाहती है तो शादी कर देते हैं। तो आखिर शादी हो जाती है। तो उस भाई को भी सलाम है जो अपनी बहन की इमोशंस को समझता है। आइए समझते हैं कि रक्षाबंधन, ये राखी का बहुत बड़ा मतलब होता है। सबसे पहले हम ये जानने के, जब भी बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो ये जतवाना, ये कहलवाना चाहती है कि मैं ये रक्षा बांध रही हूँ, तेरे लिए भी रक्षा हो और मेरी भी तू रक्षा करना, मेरी भी रक्षा मेरी गरीबी से, मेरी अशिक्षा से करना, मेरे जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं उससे करना, तो मुझे इतनी ताकत देना, इतना काबिल बनाना कि मैं अपने कदमों पे खड़ी हो पाऊँ और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। हर भाई से वो एक वचन मांगती है, हर भाई से एक वादा मांगती है, तो हर भाई को ये वादा करना चाहिए। हर भाई ये चाहता है कि ये उसकी जो बहन हो ना, वो अपने भाई को सबसे पहले एक अपना हीरो माने, एक अपना बॉयफ्रेंड मांगे, तब जाके किसी और को बॉयफ्रेंड बनाए। एक बहन अपने भाई को चाहती है कि सबसे पहले गर्लफ्रेंड, सबसे पहले हीरोइन वो अपनी बहन को माने, तब जाके बाहर वाली को हीरोइन बनाए। मैं ये चाहता हूँ और मैं ये चीज़ को समझता हूँ। मेरे दोस्तों, जब भी भाई कपड़ा पहन के, जूता पहन के सजता है, तैयार होता है, तो अपनी बहन से सबसे पहले पूछता है कि बहना मैं दिख कैसा रहा हूँ। जब बहना कहती है ओके थम्सअप, तो वो आदमी, वो लड़का अपने काम पर, अपने ऑफिस पर जाता है।
ये भाई बहन का रिश्ता होता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं बस बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आइए इस रक्षाबंधन पे भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करें और प्यारा बनाएं, साथ में खड़े रहें और उनकी हमेशा उनको हिम्मत दें, उनके हर मतलब मुसीबत में हर परेशानी में हम खड़े हों, अपनी बहन की परेशानियों में हम खड़े हों और हर बहन अपने भाई की परेशानी में खड़ी हो। जब दोनों मिलेंगे तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी खिलेगी, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भाई का जितना हक है उतना बहन का हक है, आइए मिलके हम लोग प्यार बांटते हैं इस रक्षाबंधन पे। मिठाइयाँ राखी के साथ साथ हम प्यार बांटते हैं, दिल की तमन्नाएं बांटते हैं, दिल की इच्छाएं बांटते हैं और देते हैं सभी को हिम्मत। मेरे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।